जिस प्रकार से हमारे श्रद्धालुओं का आवागमन बढ़ा है, खास करके धार्मिक श्रद्धालुओं का एक नया लोक बना है और लगभग लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा धार्मिक यात्री हमारे उज्जैन आ रहे हैं। उज्जैन के सभी देवस्थानों के दर्शन के अलावा उज्जैन में बहुत सारी घटनाओं से, बहुत सारे कारण से लोग अपने आप को पूरे देश के और दुनिया के लोगों का आवागमन का फ्लो बढ़ा है। ऐसे में साधु संत भी बड़ी संख्या में अपना आश्रम बनाकर उज्जैन में रहते ही हैं, लेकिन अब उनके लिए भी आने वाले समय में हरिद्वार की तर्ज पर उज्जैन में एक पूरा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देते देते साधु संतों के भी स्थायी आश्रम को उज्जैन में जगह दिलाने का उनका अपना, सभी प्रकार के साधु संतों के साथ उज्जैन की भी गरिमा गौरव बढ़े, इस दिशा में सरकार ने काम प्रारंभ किया है। और ये बात तो सही है कि उज्जैन की तो पहचान ही साधु संतों के साथ में है। हमारे संत महंत महामंडलेश्वर शंकराचार्य, इनकी गौरव गरिमा उपस्थिति हजारों साल से उज्जैन की प्रतिष्ठा बढ़ाती आई है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से हम सबका फर्ज बनता है विकास के मामले में हमारी सरकार उज्जैन में साधु संतों के लिए परमानेंट एक तरह से धार्मिक नगरी का कुछ हिस्सा उनके लिए भी पूरा बनाया जाए। इसीलिए उज्जैन विकास प्राधिकरण के माध्यम से मध्यप्रदेश सरकार ने एक बड़ी योजना उज्जैन के लिए बनाई है, जिसके कारण से उज्जैन में हमारे 13 ही अखाड़ों के सभी महामंडलेश्वर संत महंत अखाड़ा के प्रतिनिधि अगर भूमि चाहेंगे तो हम पर्याप्त भूमि उज्जैन में उपलब्ध कराएंगे और वो अपना आश्रम स्वयं बना, इसके लिए हम उस आवश्यक रूप से मूल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, जैसे सड़क, पुल, नाली, बिजली और आवागमन के सभी मार्ग उज्जैन से जाने आने वाले 4 लेन, आवश्यकता पड़ेगी तो 6 लेन और इस प्रकार की सुविधा जुटाना, जिसके कारण से धार्मिक पर्यटन के लिए उनके साथ में आने वाले भक्तों को भी कोई कष्ट नहीं हो। और योजना भी इतनी अच्छी प्रकार से बनाई गई है कि 1 हेक्टर की भूमि में केवल 25% स्थायी निर्माण वो कर सकेंगे, बाकी हमारा 1/3 हिस्सा खाली रहेगा जिसमें वो पार्किंग वगैरह की व्यवस्था पर्याप्त रूप से की जा सके। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जैसा हरिद्वार में जब कुंभ मेला का आयोजन होता है तो वहाँ अधिकांश साधु संत महामंडलेश्वर अपने अपने आश्रमों से उस पूरे कुंभ में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं या सभी गतिविधियों को संचालित करते हैं। आज हमारे यहाँ 2028 में सिंहस्थ होने वाला है तो स्वाभाविक रूप से हमने अपने बाकी निर्माण कार्य चालू किए हैं, लेकिन हम भूमि उपलब्ध करा करके स्थायी निर्माण की परमिशन जिला प्रशासन के माध्यम से इसी योजना से चालू करा रहे हैं ताकि साधु संत भी अपने आश्रमों का विस्तार कर सके, विकास कर सके, स्थायी रूप से वो उज्जैन में भी अपने आश्रमों की एक तरह से जगह नियत करते हुए अपना गतिविधि प्रारंभ करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये योजना के माध्यम से उज्जैन की गरिमा और बढ़ेगी और खास करके जब सिंहस्थ होता था तो अस्थायी निर्माण जब हमारे द्वारा टेंट सिटी बनाते हैं तब आंधी तूफान बारिश के कारण से हर बार टेंट उड़ जाते हैं, बाद में तकलीफ आती है या टेम्परेरी एक्विजिशन करने के कारण से कई सारे कष्ट आते हैं, जिसमें ड्रेनेज की सिस्टम बिगड़ जाता है, आने जाने के मार्ग काली मिट्टी की जमीन होने के कारण तकलीफ होती है, वो सारे कष्टों से निजात मिलेगी। अभी पक्के रोड बना करके ये पूरा एक तरह से नया नगर बनाने का एक हमने योजना बनाई है। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर आप सबके माध्यम से संदेश भी देना चाहूँगा कि पहले हमारे साधु संत संत महामंडलेश्वर सभी अखाड़े के लोग जो अपना कैंप लगाते हैं उनके लिए भी व्यवस्था रहेगी और वो केवल सिंहस्थ नहीं पूरे साल इस प्रकार की गतिविधि संचालित करें, हर साल वो अपनी व्यवस्थाओं का हिस्सा बनाए। श्रीमद् भागवत का पारायण 7 दिन तक करने की परंपरा सी बनी है और कई सारे लोग अपने अपने आश्रम में आज भी स्थिति है कि उज्जैन में 4 से 5 लाख लोग प्रतिदिन उज्जैन में रहते हैं, ऐसे में उनके सारे प्रबंधन करने की जवाबदारी हमारी है। इसी के साथ साथ हमने एक और इसमें योजना बनाई है, साधु संतों के अतिरिक्त सभी सामाजिक संस्था सभी प्रकार के इन तरह की गतिविधियों को संचालित करने वाले सनातन धर्मियों के लिए भी पर्याप्त रूप से भूखंड हम रखने वाले हैं ताकि यहाँ धर्मशालाएं, अन्न क्षेत्र या अपनी इस प्रकार की गतिविधि जो हमारे इस सनातन धर्मी व्यवस्थाओं में आवश्यक होती है उनके लिए धर्मशाला वगैरह बनाने के लिए स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल या जनसेवा के वृद्धाश्रम
या जो इस प्रकार के काम करना चाहे, जो जनहितैषी काम है, समाज हितैषी काम है, इन सबके लिए भी पर्याप्त भूमि का प्रबंधन हमने किया है। हमने इसमें कल्पना की है कि इस पूरे क्षेत्र में किसी भी हालत में निजी या कमर्शियल गतिविधि को हम नहीं करने देंगे, इसका हमने प्रतिबंध रखने के भी प्रावधान किए हैं। लेकिन ये धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार बड़ा कदम उठा रही है। मेरी अपनी ओर से इस योजना की आप सबको बधाई।